हेलो दोस्तों, मैं यश शर्मा CMI का एजुकेटर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को आप पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता। हाँ तो आइए दोस्तों, आज हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बताएंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि पिछले वीडियो में हमने इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चर्चा की, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना, नगर नियोजन प्रणाली के बारे में हमने जाना, पशुपालन, व्यापार, कृषि, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता की शिल्प और तकनीकी, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि पहली बार कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया। अब 2350 से 1750 BC का जो समय था वो मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कर्ष का समय बताया था। अब इस 1750 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता अपने पतन की ओर जाती रही और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस देश के अंदर एक आर्य नामक समूह, आर्य नामक एक ऐसा जनजातीय समूह आया जिसने कि एक नई सभ्यता और संस्कृति की नींव रखी। अब ये नई सभ्यता और संस्कृति भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब हमारे सामने सबसे पहला जो प्रश्न है वो है आर्यों का, कि भाई आर्य आपने कहा तो आर्य ही इनको क्यों कहा। तो आर्यों के लिए हमें जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है कि हमारी NCERT की किताब गए या हमारा जो वैदिक साहित्य है उसके अंदर हम कहना चाहें तो आर्यों का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है स्वामी या फिर बौद्धिक प्रतिभा संपन्न कुलीन वर्ग। आर्य का अर्थ क्या हुआ? या तो स्वामी, यानी जो व्यक्ति किसी का स्वामी हो, किसी से श्रेष्ठ हो, या फिर हम कहना चाहेंगे कि वो बौद्धिक प्रतिभा से संपन्न है, यानी गुण रूप में वो सर्वश्रेष्ठ है। और कैसा वर्ग है? कुलीन वर्ग, यानी समाज का उच्च वर्ग है, वो क्या कहलाया? आर्य कहलाया। अब इन आर्यों का जो आगमन है, आर्यों का आगमन भारत में तो कहां से हुआ दोस्तों? भारत में हुआ इनका आगमन ईरान और मध्य एशिया से। और ये जो आर्य थे, इनका जो मूल स्थान है तो इनका मूल स्थान है आल्पस पर्वत। अब ये आल्पस पर्वत कहाँ पे है? तो ये आल्पस पर्वत स्थित है यूरोप। आर्यों का जो मूल स्थान है वो तो क्या है? आल्पस पर्वत। और आर्य भारत में कहाँ से आए? ईरान और मध्य एशिया से। और आर्यों का अर्थ क्या होता है? स्वामी या बौद्धिक प्रतिभा संपन्न कुलीन वर्ग। जैसे अभी हमारे यहाँ पे एक धार्मिक सीरियल रामायण आ रहा था, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति या तो बड़ा था या फिर श्रेष्ठ पदों पे था उन्हीं को आर्य से संबोधित किया जा रहा था। तो अगर हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी समझना चाहें तो आर्य का अर्थ हुआ स्वामी या फिर बौद्धिक प्रतिभा संपन्न एक कुलीन वर्ग। अब आर्य क्या थे? आर्य कोई ऐसा नहीं है कि किसी जनजाति को आर्य से संबोधित किया गया। आर्य क्या था? एक भाषाई समूह था। आर्य क्या था? भाषाई समूह। और भाषाई समूह भी कौन सा? भारोपीय भाषा का जो समूह है। अब भारोपीय का अर्थ क्या है? कि जो चीज भारतीय भी है प्लस यूरोपीय भी है। भारोपीय से अर्थ क्या है? कि कोई चीज जो जिसमें भारतीयता के भी गुण मौजूद हैं और यूरोपीय के भी गुण मौजूद हैं। यानी जो भारोपीय भाषा हो गई वो कौन सी हो गई? जिसमें कुछ हद तक भारतीय तत्व मौजूद हैं और कुछ हद तक यूरोपीय तत्व मौजूद है। अब इन आर्यों को भारोपीय भाषा का ही क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये आर्य आए तो इनका मूल स्थान कहाँ था? मैंने अभी आपको बताया आल्पस पर्वत। अब आल्पस पर्वत कहाँ पे है? यूरोप में। और आके इन्होंने कहाँ पे बसे? ये हमारे भारत में आए। भारत में कहाँ से आए? ईरान और मध्य एशिया। यानी ये आल्पस पर्वत के साइड से चलते हुए पहले पश्चिम एशिया से
प्रवेश होते हुए मध्य एशिया तक पहुंचे, और मध्य एशिया से कहां पर आ गए, हमारे हिंदुस्तान यानी भारत में आ गए। अब ये पहले से इनमें यूरोपीय गुण थे, और भारत में आकर के इन्होंने मूल गुण कौन से ले लिए, अपने भारतीय मूल गुण ले लिए। तो उसके बाद अब ये कैसे हो गए, ये भारोपीय मूल के हो गए, यानी इनकी भाषा, इनकी संस्कृति, इनका जो भी पारिवारिक कैदे, सामाजिक कैदे, राजनीतिक जीवन था, अब वो कैसा बन गया, भारोपीय। इन्होंने अपनी मूल प्रथाओं का भी कुछ अंश, मूल प्रथाओं का भी कुछ अंश, प्रथा कह दें या भाषा कह दें, कुछ अंश अपने अंदर बनाए रखा, और साथ में इन्होंने नवीन जो प्रथाएं कहें या भाषा कहें ग्रहण की, वो भारत से ग्रहण कर ली। तो इनका जो यौगिक बनकर के आया हमारे सामने, वो भारोपीय बन के आया। इनकी संस्कृति, इनकी भाषा, सब कुछ कैसी थी, भारोपीय रूप की थी। तो दोस्तों देख लीजिए, आप नोट कीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो आर्य था, मैंने आपको बता दिया कि आर्य कैसा है, स्वामी है। आर्य का अर्थ ही क्या है, स्वामी है, या इसको आप कह दें ये श्रेष्ठ है। आर्य क्या है, आर्य श्रेष्ठ है। तो आपने सभी ने पढ़ा होगा एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अब आपने इतना पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र एक मौर्य काल के समय की पुस्तक है, जिसे किसने लिखा है, चाणक्य ने। किसने लिखा है, चाणक्य ने। उसके कुछ अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी थे, या विष्णुगुप्त भी थे। इस अर्थशास्त्र को लिखने वाले लोगों के नाम क्या थे, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब ये जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में ये साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है इस अर्थशास्त्र में साफ साफ, कि क्या नहीं किया जा सकता, आर्यों को, एक सेकंड दोस्तों, आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता, यानी आर्य कभी किसी का दास नहीं हो सकता। आर्य क्या होगा, आर्य हमेशा स्वामी ही होगा। जी दोस्तों, ये किस में वर्णित है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र एक मानक पुस्तक है जिसके लेखक कौन थे, चाणक्य थे, या उनको आप कौटिल्य भी कह सकते हैं, या विष्णुगुप्त भी। जब भी आपकी परीक्षा में ऑप्शन आए कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आएगा, तो इन हमें इनमें से ही कुछ भी टिक करना होता है। अब मैंने आर्यों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दी कि आर्य भारत में कहाँ से आए, आर्यों का मूल निवास क्या था, आर्य का अर्थ क्या होता है, आर्य क्या कोई जनजाति है कुछ है, तो आर्य ऐसा कुछ नहीं है, आर्य सिर्फ एक भाषाई समूह है। और सबसे महत्वपूर्ण एक ये जो पॉइंट था, ये था कि अर्थशास्त्र में वर्णित है कि आर्यों को कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारे सामने मुख्य एरिया था, ये था सिंधु नदी, सिंधु प्लस उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी। अब इन सब नदियों का जो क्षेत्र था उसे क्या बोलते थे, सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। अब इस सप्त सैंधव प्रदेश में आर्यों का क्या था, ये इन सॉरी एक सेकंड, इस सिंधु घाटी और उसकी जो सहायक नदियां थी, इनसे जो क्षेत्र मिलता था वो क्या बनता था, सप्त सैंधव प्रदेश बनता था, और ये ही आर्यों का क्या था, संपूर्ण स्थल था। ये क्या था, आर्यों का संपूर्ण स्थल। संपूर्ण स्थल से कहना चाहेंगे कि आर्य जब आए और आर्यों ने शुरू में आकर के अपनी सभ्यता का विस्तार किया, और सभ्यता भी कौन से काल की, ये ऋग्वेदिक काल की सभ्यता, यानी आर्य जब आए उन्होंने अपनी सभ्यता का जब विस्तार किया, तो उनका जो संपूर्ण स्थल था उस समय वो कौन सा था, ये सिर्फ सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों का सप्त सैंधव प्रदेश था। जी दोस्तों, अब एक तो हो गया आर्यों का संपूर्ण प्रदेश, एक था आर्यों का केंद्रीय प्रदेश, या उनका कहें केंद्रीय स्थल, आर्यों का केंद्रीय स्थल, आर्यों का केंद्रीय स्थल। आर्यों का केंद्रीय स्थल क्या था, यह था ब्रह्मवर्त प्रदेश, ब्रह्मवर्त प्रदेश। और ये ब्रह्मवर्त प्रदेश कौन सा है, यह है सरस्वती और घाघरा या हाकरा नदी का जो क्षेत्र है,
सॉरी सॉरी सॉरी, सरस्वती और घाघरा, ये सरस्वती को ही हरियाणा में क्या बोलते हैं, हाकरा बोलते हैं। उनका जो ये जो क्षेत्र है ये इसका केंद्रीय क्षेत्र है, लेकिन ये केंद्रीय क्षेत्र कब बनेगा, जब ऋग्वेदिक काल से हम आगे बढ़ेंगे, यानी किधर, उत्तर वैदिक काल की ओर, उत्तर वैदिक काल की ओर जब हम बढ़ेंगे तब ये इनका केंद्रीय स्थल बनेगा। उससे पहले आर्य कहाँ काम करेंगे, आर्य अपने इस सप्त सैंधव प्रदेश में जो इनका संपूर्ण क्षेत्र माना जाएगा इसी के अंदर ही अपने कार्यों को अंजाम देंगे। अब ये तो दोस्तों हो गई बातें एनसीईआरटी या फिर आपके जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन सभी का जो निचोड़ है, ये सब बातें थी। अब इसके बाद आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज जो लेके आऊंगा वो है कि अभी कुछ समय पूर्व एक मानक न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है द हिंदू, उसके एक आर्टिकल के अनुसार, उसमें एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल के अनुसार हमारे जो इतिहास के शोधकर्ता हैं उन्होंने बताया है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो क्या था, हमारे ही राखीगढ़ी। आर्यों का मूल स्थान क्या था, हमारे हरियाणा के अंदर ही एक स्थल है वो है राखीगढ़ी। अगर ये बात भारतीय पुरातत्व संस्थान या इतिहास शोध संस्थान इस बात को एग्री कर लेते हैं, हाँ, तो एक नई बात पर आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक मानक न्यूज़पेपर द हिंदू में एक खबर छपी थी जिसके अनुसार भारतीय इतिहास शोधकर्ताओं ने अभी जो नए शोध किए हैं उनके अनुसार राखीगढ़ी हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा में आर्यों का क्या बना है, मूल स्थान। उन्होंने आर्यों का मूल स्थान क्या माना है, राखीगढ़ी हरियाणा। अगर इस बात को भारतीय इतिहास शोध संस्थान या भारतीय पुरातत्व संस्थान एग्री कर लेता है, यानी इस बात को वो सही मान लेते हैं, तो ये भारतीय इतिहास के लिए एक बिल्कुल नया माइलस्टोन साबित होगा, जिससे कि भारतीय इतिहास जो अब तक जो रूपरेखा भारतीय इतिहास की बनी हुई थी वो पूरी तरह से बदल जाएगी, वो पूरी तरह से बदल जाएगी और हमें एक नए सिरे से फिर से इतिहास लिखना होगा दोस्तों। लेकिन अभी जो होगा ये भेज दिया गया भारतीय पुरातात्विक संस्थानों को और भारतीय इतिहास शोध संस्थानों को, बस केवल वहाँ से अनुमति मिलना बाकी है। वैसे ये वाला जो आर्टिकल है इसको काफ़ी ऑथेंटिक बताया जा रहा है कि ऐसा होने की संभावना पूरी पूरी है। अब हम बात करेंगे उस समय की जब आर्यों ने अपनी सभ्यता को थोड़ा सा स्थायी किया, यानी वो समय कौन सा था, ऋग वैदिक युग। ऋग वैदिक युग जी दोस्तों, आर्यों ने जब अपनी सभ्यता को थोड़ा स्थायीपन दे दिया तो उस समय को क्या कहा जाता है, ऋग वैदिक युग। भारत में चार वेद माने गए हैं, कितने वेद माने गए हैं, भारतीय वैदिक साहित्य में कितने वेद माने गए हैं, चार वेद माने गए हैं। चार वेद में कौन कौन से वेद हैं, एक है ऋग्वेद, ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद और एक है अथर्ववेद जी। अब ये जो ऋग्वेद है तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों को चार भारतीय साहित्य का मूल माना गया है, ये चार भारतीय साहित्य के प्रथम ग्रंथ माने गए हैं। उसमें भी जो सबसे प्राचीन है वो कौन सा है, प्राचीनतम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की जो रचना का समय है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप चाहिए तो जी। अब इसके बाद जो ऋग्वेद की रचना का समय है वो कौन सा है, 1500 BC से लेके 1000 BC तक, और बाकी वेद हैं जो इसके बाद की रचना के
माने जाते हैं। और उस समय को क्या कहा जाएगा भारतीय इतिहास में? उत्तर वैदिक काल। अभी हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल पे। तो ऋग्वैदिक काल का समय मैंने आपको बता ही दिया, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। जी दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्यों की, क्योंकि सबसे ज्यादा इतिहास में अगर किसी चीज पर जोर दिया जाता है तो वो होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जी दोस्तों, अब पुरातात्विक साक्ष्य हम देखें तो ऋग्वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य क्या हैं? एक तो गेरुवर्णी मृदभांड, यानी इस समय के जो मृदभांड थे उनका रंग कैसा था? गेरू के जैसा। उनका रंग कैसा था? गेरू के जैसा। साथ में काले एवं लाल मृदभांड, यानी जो मृदभांड ऋग्वैदिक काल में पाए गए वो कौन कौन से थे? एक तो गेरुवर्णी मृदभांड और एक कौन से थे? काले एवं लाल मृदभांड। ये दोनों ऋग्वैदिक काल के मृदभांड माने गए। जी, और तीसरी चीज है वो है ताम्र संचय, यानी तांबे के जो सिक्के हो जाएं, या हम कहें तांबे का जो संग्रह किया गया था, जैसे कोई तांबे का पोर्ट होता है या फिर तांबे के सिक्के मृदभांडों में रख दिए गए, तो वो सब चीज़ क्या कहलाती है? ताम्र संचय। तो इन तीन चीज़ों से, पुरातात्विक चीज़ों से ऋग्वेद काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इन तीनों से जो भी जानकारी मिलेगी वो जानकारी ऑथेंटिक जानकारी मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप मृदभांड पे कोई चीज़ लिखते हैं या फिर अभिलेखों में या कोई ताम्र संचय किस समय की ये निधि थी, ये सब चीज़ें आप बाद में कभी भी चेंज नहीं कर सकते। साहित्यिक प्रमाणों को इतिहास में उतनी अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है जितने अच्छी दृष्टि से पुरातात्विक प्रमाणों को देखा जाता है, जिसमें अभिलेख, स्तंभ लेख, मृदभांडों पर लेख, उनकी ग्रीवा लेख, ताम्र संचय, ताम्रपत्र लेख। तो ये सब जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनको इतिहास की दृष्टि से अधिक उत्तम माना जाता है। अब अभिलेखीय साक्ष्य, ये तो हो गए पुरातात्विक साक्ष्य। अब इसी में एक आएगा अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य, तो ऋग्वैदिक काल का हमें जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलेगा वो मिलेगा कहां से? तो वो मिलेगा हमें बोगाजकोई से। बोगाजकोई कहाँ पे है? ये एशिया माइनर में, एशिया माइनर। और ये एशिया माइनर को क्या बोलते हैं? आज का टर्की, जो टर्की देश है वहाँ पे एक जगह से ये अभिलेख मिला है, इसको बोगाजकोई अभिलेख कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? बोगाजकोई अभिलेख। अब ये बोगाजकोई अभिलेख जो टर्की से मिला है, इसके अंदर क्या है इसकी विषय वस्तु? कि वहां पे दो राजा थे, हित्ती और मितन्नी। हित्ती और मितन्नी, इन दो राजाओं के बीच क्या हुई? एक संधि हुई। ये शायद नीचे आपको नहीं दिखेगा, मैं इसको, ये आप एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए। जी दोस्तों, मैं आगे इसके बारे में ऊपर बताता हूं आपको कि दो राजा क्या हैं, इनका नाम हित्ती और मितन्नी। इन दो राजाओं के बीच क्या होती है? एक संधि होती है, और इस संधि पर जैसे गवाहों के रूप में किसके साइन हैं? तो गवाहों के रूप में साइन है दोस्तों, एक इंद्र, एक मित्र, एक वरुण और एक नासत्य। इन चार देवताओं के साइन इस बोगाजकोई अभिलेख में हैं। किसके रूप में मिलते हैं? गवाह के रूप में। ये क्या है? इसके गवाह। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं और आपकी कोई गवाही देता है, या फिर किसी के बीच कोई संधि में अगर आप गवाह हैं तो वहां पे आपका नाम लिखा जाएगा, तो ऐसे ही इस ऋग्वैदिक काल का जो ये बोगाजकोई अभिलेख हमें मिला है, इसके अंदर जो हित्ती और मितन्नी नाम के दो राजाओं के बीच में एक संधि हुई है, उस संधि पर गवाह के रूप में किसके साइन है? इंद्र के, मित्र के, वरुण के और नासत्य के।
अब आप कहेंगे इंद्र मित्र वरुण नासत्य के साइन होने से इसके ऋग्वेदिक काल का होने का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय मैं भी और बाकी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो चारों थे ये क्या थे उस समय के, ये ऋग्वेदिक कालीन देवता थे, ऋग्वेदिक कालीन देवता, इन सब का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो अगर इन देवताओं ने इस समय में, जी दोस्तों, अगर इन देवताओं ने इस समय में बोगाज कुएं में जाकर के और वहां के राजाओं के बीच में हुए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया है, तो ये देवता मतलब ऋग्वेद काल के हुए, और अगर ये देवता ऋग्वेदिक काल के हैं और इनका उल्लेख ऋग्वेद के अंदर है, तो इससे अभिप्राय क्या निकलेगा कि ये जो बोगाज कुएं अभिलेख है ये कब का है, ये ऋग्वेदिक काल का है। जी दोस्तों, ऋग्वेदिक युग का अभिलेख कौन सा है, बोगाज कोई अभिलेख। दूसरा जो एक और इंपॉर्टेंट अभिलेख या साक्ष्य है वो है कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख। अब ये कसाइट अभिलेख कहां से मिला है, ये मिला है ईरान से। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्यों की एक शाखा, आर्यों की एक शाखा ईरान से भारत आई, ईरान से भारत आई। अब दोस्तों, अगर एक अभिलेख में ये बात लिखी हुई है और मैंने भी आपको बताया कि आर्यों को भारत में माना जाता है कि वो कहाँ से आए, ईरान से आए, तो जो एक अभिलेखीय बात है वो हमेशा सत्य मानी जाती है। यानी कसाइट अभिलेख में दिया हुआ है कि आर्यों की एक शाखा कहां से आई थी, ईरान से भारत आई थी। दोस्तों, जी दोस्तों, अब बात करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में हम सबसे पहले जिस चीज की बात करेंगे वो बात करेंगे हम ऋग्वेदिक नदियों की। देखिए, इनका सबका बहुत महत्व है, ऋग्वेद की नदियां। अब इन नदियों के भी नाम पूछे जाते हैं, जी दोस्तों, इन नदियों के भी नाम पूछे जाते हैं, तो मैं अब आपको इतना ज्यादा विस्तृत यहां पे नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास समय सीमित होता है, लेकिन मैं आपको मोस्ट जो भी चीजें ऋग्वेद के अंदर दे रखी हैं वो सभी मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ऋग्वेद में जो नदियां बता रखी हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण है, गोमल, कुंभा, एक सेकंड, गोमल, कुंभा, सुवास्तु, सुवास्तु, जी दोस्तों, क्रूमू, अब ये सारी जो नदियां हैं, देखिए इसका गोमती नाम भी मिलता है, इस कुंभा काबुल नाम भी मिलता है इस नदी का, ये जो सुवास्तु है इसका नाम स्वात भी मिलता है, और ये जो कुरुमु है इसका नाम कुर्रम भी मिलता है। अब ये जो सारी नदियां हैं, गोमल, कुंभा, सुवास्तु, कुरुमु, ये सब कहाँ से मिलती हैं, अफगानिस्तान से। इनका होना ऋग्वेद में कहाँ बताया गया है, अफगानिस्तान में। जी दोस्तों, ये जो मैं सभी नदियों की बात यहाँ पे नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन्हीं नदियों की बात करूंगा जिनको कि ऋग्वेद में बताया हुआ है, तो वो नदियां ये गोमल, कुंभा, सुवास्तु, कुरुमु, ये सब कहाँ हैं, अफगानिस्तान में। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी दोस्तों, अब इसके बाद उन नदियों की बात, क्योंकि ऋग्वेद कालीन जो आर्य थे उनका प्रमुख स्थान तो भारत था, तो भारत में उन्होंने कौन कौन सी नदियां बताई हैं, तो भारत में उन्होंने नदी बताई है सिंधु, सरस्वती, एक परुषणी नदी, एक सेकंड दोस्तों, एक नदी बताई है उन्होंने, परुषणी नदी, बिपाशा नदी, जी दोस्तों, साथ में वितस्ता, अस्किनी, चिनाब, वितस्ता, अस्किनी, इधर चिनाब, शतुद्री,
जी दोस्तों। और एक इम्पोर्टेंट नदी दृश्यद्वती। अब इन सब नदियों का उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद में है। ये जो परुष्णी नदी है आपकी, रावी नदी, ये विपाशा आपकी व्यास नदी, ये वितस्ता जो है ये हो गई आपकी झेलम, और अस्किनी जो है, हाँ ये दोस्तों, ये चिनाब और अस्किनी एक ही नदी का नाम है जी दोस्तों। और ये सतुद्री क्या हो गई? सतलज हो गई। और दृशद्वती नदी ये है ब्रह्म प्रदेश में, इसका नाम क्या है? चोतांग नदी। ये है चोतांग नदी। इन सब नदियों का उल्लेख, और ये सब नदियां कहाँ की हैं? हमारे भारत की। इन सब नदियों का उल्लेख भी कहाँ मिलता है? हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं वो है सिंधु और सरस्वती। सिंधु और सरस्वती, तो सिंधु को उन्होंने कोई अलग नाम नहीं दिया, लेकिन उन्होंने सरस्वती को नदीतमा कहा है। सरस्वती को आर्यों ने क्या कहा है ऋग्वेद में? नदी तमा, यानी सर्वश्रेष्ठ नदी। सरस्वती नदी का उस समय इतना बड़ा उपयोग था कि सरस्वती नदी को क्या कह दिया? सर्वश्रेष्ठ नदी। वैसे देखिए, गंगा नदी जो हमारी आज के समय की सबसे पूजनीय और सबसे बड़ी नदी है, इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है, लेकिन सिर्फ कितनी बार हुआ है? एक बार। यानी गंगा नदी को मुख्य तो माना गया है, लेकिन कितनी बार? सिर्फ एक ही बार गंगा नदी का उपयोग हुआ है। तो ये तो हो गई नदियों की बातें। अब बात करते हैं हम पर्वतों की। ऋग्वेद में जो पर्वत हैं उनके बारे में अगर हम बात करना चाहें तो ऋग्वेदिक कालीन पर्वत। अब पर्वत भी इसमें कौन सा है? आपका हिमवंत, यानी हमारा हिमालय। ऋग्वेद के अंदर हिमालय का वर्णन दे रखा है। ऋग्वेद के अंदर मुंजवंत पर्वत का वर्णन दे रखा है, मुंजवंत पर्वत जी। अब ये मुंजवंत पर्वत कौन सा है? जहां पे कौन सा पौधा मिला है? सोम रस का पौधा। कहां पे मिला है? मुंजवंत पर्वत पे। इसके अलावा सुलेमान पर्वत, ये वो ही अफगानिस्तान में। इसके अलावा सुशोम पर्वत, सुशोम पर्वत जी दोस्तों। इन सब पर्वतों का उल्लेख है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जी। अब बारी करते हैं हमारे समुद्र। समुद्रों का उल्लेख भी है, तो समुद्रों की केवल एक चर्चा है। चार विशाल जलराशि, ये कहा गया है ऋग्वेद में कि चार विशाल क्या हैं? जल राशि हैं। चार विशाल जलराशि ऋग्वेद में बताई गई हैं, यानी समुद्र कितने हैं? चार। अब बात उन्होंने किसकी की है? मरुस्थल की भी बात की है, और मरुस्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धन्व का। यानी मरुस्थल ऋग्वेद में है, और मरुस्थल के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? धन्व का जी दोस्तों। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऋग्वेदिक सभ्यता का विस्तार, ऋग्वेदिक सभ्यता का विस्तार कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेदिक सभ्यता कौन कौन सी जगह पे पाई गई? ऋग्वेदिक सभ्यता पाई गई आपके अफगानिस्तान में, ऋग्वेदिक सभ्यता पाई गई आपके पंजाब में, ऋग्वेदिक सभ्यता पाई गई आपके कश्मीर में, और ऋग्वेदिक सभ्यता पाई गई आपके राजस्थान में। यानी अफगानिस्तान से पंजाब, कश्मीर और राजस्थान तक जो सभ्यता फैली हुई थी वो कौन सी सभ्यता थी? ऋग्वैदिक काल की वैदिक सभ्यता जी दोस्तों। अब आगे ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन क्या है? राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल की राजनीति कैसी थी? तो अब ऋग्वैदिक काल में जो राजनीति, यानी राजनीति किस प्रकार से बनी, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इनकी सबसे छोटी जो इकाई थी राजनीति की वो थी कुल, यानी कुल यानी जो इनके परिवार एक होता था उसको क्या कहते थे? कुल। और उस कुल का जो मुखिया है वो क्या कहलाता? कुलप। ये कुछ कुल मिलकर के क्या बनाते थे? एक ग्राम बनाते थे। क्या बनाते थे दोस्तों? ग्राम। और उस ग्राम का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी। आज के समय में जैसे गांव का मुखिया सरपंच होता है, वैसे उस समय में ग्राम का मुखिया क्या कहलाया? ग्रामणी कहलाया। कुछ ग्राम मिलकर के क्या बने? एक विश बना। क्या बना? एक विश।
आप इसे एक तालुका कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, लेकिन उस समय की इकाई क्या थी? विश। और विश यानी, माफ कीजिएगा, विश का जो प्रधान कहलाता था वो क्या कहलाता? विशपति। और कुछ विश मिलकर के क्या बनता था? एक जन। और जन का जो मुखिया कहलाता था वो ही क्या कहलाता था? राजा। यानी आज में अगर हम वर्तमान परिस्थितियों की बात करें तो एक समय, एक हिसाब से देखा जाए तो आज का जो जिला होता है वो उस समय का जन हुआ करता था, और उस जन का जो प्रधान होता था वो राजा कहलाता था। जैसे आज के एक जिले का प्रधान, जिला कलेक्टर, जिलाधीश हम जिसे कहते हैं, वो होता है, उस समय राजा होता था। और ये राजा कुछ समय तक तो चुन के आता था, इसका चुनाव होता था, लेकिन बाद में जब हम देखेंगे, धीरे धीरे आगे पढ़ते रहेंगे, तो कहेंगे कि ऋग्वैदिक काल की राजनीति में राजा का जो पद है, एक समय के बाद वो कैसा हो गया? वंशानुगत। जी दोस्तों, अब ये जो राजा था ये क्या उपाधि लेता था? ये लेता था दो ही उपाधियां, या तो सम्राट की या फिर एकराट की। ये कौन सी उपाधियां लेता था? सम्राट की या एकराट की। एक इसकी उपाधि का और वर्णन मिलता है, वो था अधिराज। यानी राजाओं के ऊपर जो राज है वो क्या कहलाया? ये अधिराज कहलाया। जी दोस्तों, देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आर्यों के बारे में हम आगे बात करें तो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीले की बात करेंगे। यानी आर्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इकाइयां जो इनकी हुआ करती, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कुल 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 का प्रधान कुलप हो गया, ग्राम का प्रधान ग्रामणी हो गया, विश का प्रधान विशपति हो गया, और जन का प्रधान राजा। और राजा को क्या क्या उपाधियां मिली? सम्राट की, एकराट की और अधिराज की उपाधियां। अब हम कहेंगे कि आर्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण कबीला है वो कबीला कौन सा था? त्रत्सु। त्रत्सु कबीले से संबंधित जो था वो था भरत। ये भरत नाम का इनका जो कबीला है वो इनका सबसे महत्वपूर्ण कबीला था, और ये कबीला किससे संबंधित था? त्रत्सु से। आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण कबीले का नाम क्या है? भरत। और ये भरत कबीला किससे संबंधित था? त्रत्सु से संबंधित था। इस भरत कबीले के राजा का क्या नाम था? सुदास। सुदास। इस भरत कबीले के राजा का क्या नाम था? सुदास था। और इस सुदास का एक महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक काल का एक युद्ध आता है जिसका नाम है दशराज्ञ युद्ध। क्या नाम है? दशराज्ञ युद्ध। यानी दशराज्ञ युद्ध, अर्थ कहें तो हम इसे, कितने राजाओं का युद्ध है ये? 10 राजाओं का। किस किस के मध्य हुआ ये 10 राजा बनाम सुदास, 10 राजा बनाम सुदास। कहाँ हुआ ये? परूषणी नदी, परूषणी यानी रावी नदी के तट पर। 10 राज्य युद्ध कहां पे लड़ा गया? परूषणी नदी के तट पर लड़ा गया। किस किस के मध्य लड़ा गया? 10 राजाओं और सुदास के मध्य। अब यहां पे जीतता कौन है दोस्तों? सुदास जीत जाता है इस युद्ध में। कौन जीतता है? सुदास की जीत होती है। दशराज्ञ युद्ध में परुषी नदी के तट पर जो 10 राज्ञ युद्ध लड़ा गया, इसमें किसकी जीत हुई? 10 सुदास की, जो भरत जन का राजा था। और ये जो भरत जन है, ये जो भरत जन है किससे संबंधित था? ये त्रत्सु कबीले से जो संबंधित भरत जन था, इसका राजा सुदास। और इसी भरत जन के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कहाँ लिखी हुई है? एनसीईआरटी में। जी दोस्तों, अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि इस समय जो राजनीति है, अब इसका राजा भी हो गया भरत जन का, तो क्या ये राजनीति आज के जैसी थी या कैसी थी? तो हम कहना चाहेंगे आपको कि उस समय जो राजा होता था इसके पास सर्वाधिकार नहीं हुआ करते थे। राजा क्या था? सर्वाधिकार नहीं होता था, स्वामी नहीं होता था। राजा स्वामी भी नहीं होता था, ना तो राजा के पास सर्वाधिकार होते थे ना ही राजा स्वामी होता था। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनका पथ प्रदर्शक होता था, पथ प्रदर्शक। क्योंकि इस राजा के पास ना कोई सेना थी, ना कोई सेना थी, ना कोई प्रशासन था, और ना कोई कर व्यवस्था थी।
अब अगर ये तीनों चीजें ही नहीं होंगी तो किस बात का राजा, जिस राजा के पास कोई सेना नहीं होगी, यानी उसको अपनी राजगद्दी बचाए रखने के लिए जिस चीज की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ेगी, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए पड़ेगी, वो सेना भी नहीं है। राज्य के सभी कार्य करने के लिए जिस प्रशासन की, यानी आज के समय में हम देखें तो इतनी बड़ी नौकरशाही होती है, अगर प्रशासन नहीं होगा तो प्रशासन के बिना भी कोई राजा या राज्य नहीं होगा। और जहां पे कर व्यवस्था, अब राजा ये तो है नहीं कि अपने घर में से सेना रखेगा, अपने खुद कमाएगा और फिर सेना को रखेगा, राजा कर लेगा। कर किससे लेगा? प्रजा से। लेकिन मैंने आपको बताया ऋग्वेदिक काल की जो सभ्यता है वो किस पर आधारित थी? पशुपालन पर। अब पशुपालन की जो सभ्यता होती है ना, वो कैसी सभ्यता होती है दोस्तों? घुमक्कड़। जो पशुपालन की जो संस्कृति होती है, जो जीवन होता है, वो घुमक्कड़ जीवन होता है। और घुमक्कड़ जीवन में कर का कोई स्थान नहीं होता है। घुमक्कड़ जीवन में कर का कोई, हाँ, हर कबीले का एक प्रधान जरूर आपको मिलेगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हर कबीले का एक प्रधान आपको जरूर मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक प्रधान होगा, ना कि कबीले का राजा होगा। दोस्तों यहां पे कोई कर व्यवस्था नहीं थी। कर व्यवस्था के नाम पे एक बलि नाम का कर था। क्या था? बलि नाम का कर। अब आप कहेंगे सर कर व्यवस्था तो है, दोस्तों ये कर व्यवस्था नहीं है, बलि जो है ये कैसा कर है? स्वैच्छिक कर है, स्वैच्छिक कर है। और जब स्वैच्छिक कर होते हैं तो वहां पर कर व्यवस्था अनुपस्थित होती है। क्यों होती है? आज आप कोई भी सामान लेने जाते हैं, आप अगर एक 10 रुपए का साबुन भी लेने गए, 10 रुपए का क्या लेने गए, एक साबुन लेने गए, उस पर भी जीएसटी अप्लाई होता है। अब ये जीएसटी आपके लिए देना जरूरी है, ये बाध्यकारी है। अगर ऐच्छिक होगा तो आप मना कर देंगे, मैं नहीं दूंगा, और आपने साबुन खरीद लिया, फिर 8 रुपए का ही साबुन आप खरीदेंगे। लेकिन अगर आप जीएसटी दे रहे हैं तो वही साबुन आपको कितने रुपए का आ रहा है? 10 रुपए का आ रहा है। यानी जीएसटी देना आपके लिए क्या है? बाध्यकारी है। और जहां पे बाध्यकारी कर व्यवस्था है वहां पे एक पूर्णतः विकसित, सुविकसित, सुप्रशिक्षित क्या मिलेगा? प्रशासन मिलेगा। वहां पे एक सेना भी होगी, जैसे हमारे देश की एक सेना भी है, हमारे देश में पूरी नौकरशाही भी है और एक कर व्यवस्था भी है। यहाँ तक कि हमारे पास तो एक पूरा कर विभाग होता है जिसमें सभी प्रकार के करों को सम्मिलित करते हुए एक पूरी कर व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब प्रकार के कर सम्मिलित होते हैं। दोस्तों उस समय ऐसी कोई कर व्यवस्था नहीं थी, केवल एक बलि नाम का कर था जो स्वैच्छिक था, अगर कोई चाहे तो वो राजा को दे देता था। और इनका जो राजा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि राजा की स्थिति सिर्फ कैसी थी, एक कबीलाई प्रमुख जैसी हुआ करती थी, उसके पास सर्वाधिकार नहीं हुआ करते थे, उसको एक पथ प्रदर्शक की तरह माना जाता था। अब इस समय की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं, यानी आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राम पंचायतें होती हैं, उसके बाद हम देखते हैं नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, नगर पंचायतें जिनको हम कह सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये सब हमारी संसद, ये सब क्या है? आज की राजनीतिक संस्थाएं। लेकिन उस समय की राजनीतिक संस्थाएं क्या थी? वो थी एक विदथ, एक थी सभा और एक थी समिति। ये तीन राजनीतिक संस्थाएं ऋग्वेदिक काल में जानी गई हैं। विदथ, विदथ क्या थी? सर्वाधिक प्राचीन, सबसे पुरानी अगर कोई संस्था है तो वो कौन सी है? विदथ है। और सभा जो है, सभा कैसी है? विशिष्ट लोगों की, आप इसे कहें विशिष्ट लोगों की संस्था। सभा कैसी है? विशिष्ट लोगों की संस्था। और समिति कैसी है? समिति एक न्याय की बातें करती थी, समिति हर प्रकार के कार्यों पर सलाह देने वाली एक संस्था होती थी। अब इनको मैं थोड़ा हम थोड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना चाहेंगे, तो हम सबसे पहले बात करते हैं विदथ की। देखिए विदथ के लिए कुछ खास नहीं है, विदथ केवल एक प्राचीन संस्था थी। यानी सबसे पहले अगर कोई चीज अस्तित्व में आई तो वो राजनीतिक संस्था कौन सी थी? ये विदथ थी। इसके लिए हम कुछ ज्यादा इसके बारे में वर्णन नहीं मिलेगा आपको, ये सर्वाधिक प्राचीन कही जाती है, बस इससे सबसे पहले ये आई। अब उसके बाद जो आई है वो है सभा और समिति। अब जो सभा मैंने आपको बताया कि सभा है जो कैसी है? विशिष्ट लोगों की संस्था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? नरिष्ठा भी कहा गया, नरिष्ठा भी कहा गया। यानी सभा कैसी है? नर, और नर भी इसमें कैसे हैं? ईष्ट जैसे, यानी भगवान जैसे नर है।
यानी ये कैसी संस्था है, आज की राज्यसभा जैसी संस्था, आज की राज्यसभा जैसी संस्था है। क्या है? सभा जो है आज की राज्यसभा जैसी संस्था है। आज की राज्यसभा में विशिष्ट लोग ही मनोनीत किए जाते हैं, विशिष्ट लोग ही चुन करके जाते हैं, इसलिए राज्यसभा और ये सभा दोनों एक जैसी संस्थाएं हम मान सकते हैं। इस सभा को क्या कहा गया है? नरिष्ठा भी कहा गया है। ये विशिष्ट लोगों की सभा थी और इसका सिर्फ एक ही कार्य था और वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वो था न्याय प्रदान करना। यानी ये बड़े बुजुर्गों की कह दें हम इसे सभा, विशिष्ट लोगों की सभा कह दें, समाज के कुलीन वर्ग की सभा कह दें, और इसका एकमात्र कार्य क्या था? न्याय करने का कार्य था। ये हो गई सभा। अब ऐसी ही एक और राजनीतिक संस्था थी जिसका नाम था समिति। जी दोस्तों, अब ये जो समिति है, तो ये समिति कैसी संस्था थी? ये आजकल की लोकसभा जैसी संस्था थी, आजकल की लोकसभा। हाँ, मैं एक चीज अभी आपको बताना चाहूंगा कि जो सभा है उसमें स्त्रियों की भागीदारी ज्ञात नहीं है, स्त्रियों की भागीदारी ज्ञात नहीं है, लेकिन समिति में, ये आप देख लीजिए, और बाकी समिति में स्त्रियों की भागीदारी, स्त्रियां भागीदार होती थी, स्त्रियां क्या थी? समिति में भागीदार होती थी। साथ में अब ये कार्य किस चीज का करती थी? इसके कार्य क्या थे? इसके कार्य थे दोस्तों राजनीति, दर्शन, राजनीति, दर्शन, सेना या सैनिक और राजा का निर्वाचन, राजा का निर्वाचन। समिति जो है वो क्या क्या कार्य करती है? राजनीति संबंधित कार्य, दर्शन संबंधित कार्य, सेना संबंधित कार्य और राजा के निर्वाचन से संबंधित कार्य। ये बताती थी कि राजनीति इस प्रकार से होगी, राजा क्या क्या कार्य करेगा। दर्शन, अगर इनके सामने किसी बात के, आध्यात्मिक बात का विचार अगर आता था तो समिति उसके ऊपर भी अपनी राय रखती थी। सैनिक कार्य मतलब सेना की भर्ती होगी तो कैसे होगी, कितनी सेना होगी, क्या करना है, या फिर ये लोग खुद ही सेना का कार्य करेंगे तो ये सैनिक कार्य होगा। राजा का निर्वाचन, यानी राजा का जो निर्वाचन होता है ये कौन करेगा? इस समिति के अंदर जो व्यक्ति या इस समिति के जो सदस्य होंगे वो सब मिलकर क्या करेंगे? राजा का निर्वाचन करेंगे। जी दोस्तों, स्क्रीनशॉट प्लीज। ये हो गई हमारे ऋग्वैदिक काल की कुछ संस्थाएं। अब आपने अभी देख लिया मेरे साथ साथ कि ऋग्वैदिक काल की राजनीति ये कहती है कि यहां पर राजा नहीं था बल्कि एक तरीका का कबीलाई प्रमुख था, और उसका चुनाव भी कौन कर रहा है? समिति कर रही है। उस कबीलाई प्रमुख का चुनाव कौन कर रहा है? समिति कर रही है। जी दोस्तों, अब हम उस समय के आयुधों की बात कर लेते हैं। उस समय के जो आयुध यानी शस्त्र, आयुध, इस समय की भले ही से सभ्यता है जो पशुपालन सभ्यता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये एक युद्ध करने वाले लोग थे। आर्य कैसे थे? युद्ध प्रिय लोग थे। आर्य जो थे वो कैसे लोग थे? आर्य थे युद्ध प्रिय लोग थे, और उनका, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि उनका जो प्रमुख जानवर था, उनका सबसे प्रिय जो जानवर था वो भी घोड़ा था, क्योंकि घोड़ा युद्ध में सर्वाधिक उपयोगी होता है दोस्तों। अब इनके जो आयुध थे, तो आयुध हो गए एक तो पुर चरिष्णु, वैसे शायद ये आपके पेपर में पूछ भी सकता है। एक हो गया वर्मन और एक हो गया शिरस्त्राण। जी दोस्तों, पुरचरिष्णु यानी जो किलों को तोड़े, किलों को तोड़ने वाला, किलों को तोड़ने वाला। जी दोस्तों, वर्मन यानी कवच और शिरस्त्राण सिर पर धारण करने वाला, सिर पर धारण जिसको करेंगे वो शिरस्त्राण, कवच, करण वाला कवच, वर्मन और पुरचरिष्णु जो क्या है? किलो को तोड़ने वाला एक आयुध है ये।
किलो को तोड़ने वाला क्या है? आयुध है। इसके माध्यम से किलो पर चढ़ाई की जाती है, मतलब एक ऐसा शस्त्र है काफी भारी भरकम और आप कह सकते हैं कि विध्वंसक शस्त्र रहा होगा, इसलिए इसे कहा गया है। ये तो किलो को ही तोड़ डालता है। अब आगे हम बात करें इस समय की अर्थव्यवस्था की, ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था कि भाई पैसा और क्या करते थे लोग, किस प्रकार से इनकी अर्थव्यवस्था मैनेज होती थी। इनकी अर्थव्यवस्था की हम बात करें, इनका मैंने आपको व्यवसाय बता ही दिया। इनका जो व्यवसाय है वो क्या है? पशुपालन। और पशुपालन में भी कौन सा पशुपालन? इनके दो ही सबसे महत्वपूर्ण पशु थे, एक था गाय और एक था घोड़ा। गाय इनके दैनिक जीवन का आधार, दैनिक या सामाजिक जीवन का आधार क्या है? गाय। और घोड़ा जो है इनके कौन से जीवन का आधार है? ये हम कहेंगे इनके राजनैतिक जीवन का आधार है। घोड़ा क्या है? इनके राजनैतिक जीवन का आधार है, प्लस युद्ध का आधार क्या है? घोड़ा। आर्यों के पास सर्वश्रेष्ठ किस्म के घोड़े होते थे, इसीलिए आर्यों ने अपनी सभ्यता का विस्तार कुछ समय बाद एक बहुत बड़े यानी पूरे ब्रह्मवर्त प्रदेश तक यानी गंगा नदी तक आर्यों ने क्या किया था? सदानीरा नदी जिसे कहते हैं, गंडक नदी, वहां तक आर्यों ने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया था। इनके दो ही मुख्य जानवर हुए या हम कहेंगे पशु हुए, एक गाय जो इनके दैनिक कार्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। गाय से प्राप्त होने वाले प्रत्येक वस्तु इनके दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण थी। और सामाजिक यानी जिसके पास जितनी गाय होती हैं वो ही सामाजिक प्रतिष्ठा का द्योतक मानी जाती थी। घोड़ा है तो घोड़े ने इनको, चूंकि घोड़ा तेज रफ्तार से चलता है, तो घोड़े ने इनको राजनीतिक स्थिरता दी। राजनीतिक रूप से घोड़ा इनके लिए महत्वपूर्ण रहा, उसने अनेकों युद्ध इनको जितवाए। ये इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार होते थे, दो जानवर गाय और घोड़ा। इनके जो प्रमुख कार्य थे उनमें सबसे पहले पशुपालन और दूसरा प्रमुख कार्य क्या था इनका? कृषि। कृषि में भी ये ज्यादातर दो ही चीजों की कृषि का ज्यादा उल्लेख मिलता है, एक मिलता है यव यानी जौ और एक मिलता है धान यानी चावल या गेहूं, चावल या गेहूं। इन दो चीजों की ये ऋग्वैदिक काल में कृषि किया करते थे। ये हल भी जोतते थे, हल जोतते थे, और हल की जो रेखा यानी आप खेतों में जो हल जोतते हैं और एक रेखा सी बन जाती है, एक रेखा जो हल की बन जाती है उसको ये लोग क्या कहते थे? सीता कहते थे। हल की रेखा को इन्होंने क्या कहा है? सीता कहा है दोस्तों। और ये इनकी कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। इनकी कृषि योग्य जो भूमि है, कृषि योग्य भूमि, इसको इन्होंने क्या कहा है? उर्वरा कहा है। कृषि योग्य भूमि को इन्होंने क्या कहा है दोस्तों? उर्वरा। जी दोस्तों, अब हम इनके देखते हैं, हमने इनके अर्थव्यवस्था में प्रमुख व्यवसाय देख लिया जो पशुपालन है, अब इनका प्रमुख व्यावसायिक वर्ग भी देख लेते हैं। प्रमुख व्यावसायिक वर्ग, प्रमुख व्यावसायिक वर्ग में एक है तक्षण यानी बढ़ई, यानी जो व्यक्ति लकड़ी का कार्य करता है वो क्या कहलाता है? तक्षण। एक क्या है? चर्मकार। चर्मकार यानी जो चमड़े का काम करेगा वो क्या कहलाएगा? चर्मकार। एक कौन कहलाएगा? करमार। ये हो गया चमड़े से संबंधित, ठीक है। करमार यानी लोहार, जो व्यक्ति क्या काम करेगा? लोहे का कार्य करेगा। जो व्यक्ति क्या काम करेगा? लोहे का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? करमार यानी लोहार। लेकिन अब हम देखते हैं कि आज के समय में लोहार लोहे का कार्य करता है, लेकिन उस समय, चूंकि इस समय तक तो लोहा मिला भी नहीं था, ऋग्वैदिक काल तक तो लोहे की प्राप्ति भी नहीं हुई थी, इसलिए उस समय हम इसे करमार को लोहार नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे ही कार्य करता था जो धातु संबंधी कार्य होते थे, तो उसे हम क्या कहेंगे? करमार कहेंगे, उस समय का करमार। एक वक्त्री यानी नाई, जो काम आज के समय में नाई करते हैं उसी समय में भी नाई हुआ करते थे, तो उसको क्या कहते थे? वक्त्री कहते थे। एक कार्य और इंपॉर्टेंट है, वो कहेगा सूत का कार्य है। अब आप कहेंगे सूत क्या होता है? तो सारथी।
जब घोड़ा चलेगा रथ को लेकर के, तो उस घोड़े पे लगाम के लिए जिस आदमी की आवश्यकता होगी वो क्या कहलाएगा? सारथी। और उस सारथी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सूत कहा गया है। यानी अगर मैं तो कहना चाहूं कि राजनीतिक रूप से अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई व्यावसायिक वर्ग था तो वो सूती कहलाएगा, क्योंकि युद्ध में सारथी का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। जी दोस्तों, ये सब उस समय के प्रमुख व्यावसायिक वर्ग हुए आपके सामने। अब हम विनिमय के साधनों की बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था चल रही है, अर्थव्यवस्था में विनिमय के साधन, तो विनिमय के साधन क्या क्या थे? निष्क, शतमान, हिरण्यपिंड। निष्क, शतमान, हिरण्यपिंड और पशुधन। निष्क सोने का, शतमान चांदी का, ये जो है ये हार जैसा, एक आभूषण जैसा ही होता था निष्क, लेकिन ये व्यवसाय में कार्य करता था। शतमान ये चांदी का था। इनके बारे में ऐसे दिखा नहीं, लिख नहीं रखा है ऋग्वेद में कहीं भी कि ये कोई सिक्के हुआ करते थे। निष्क, शतमान, हिरण्यपिंड और पशुधन के बारे में ऐसी खास जानकारी मुझे मौजूद नहीं है, लेकिन पशुधन जो है, यानी जो इनके पास पशु हुआ करते थे, एक ने गाय दे करके कुत्ता ले लिया, किसी ने गाय दे के 10 गाय दे के घोड़ा ले लिया, तो ये हो सकता है कि उस समय के पशुधन का विनिमय का प्रकार हो। लेकिन निष्क और शतमान जो है, निष्क सोने का है और शतमान चांदी का है। अगर आपसे एग्जाम के टाइम पे कुछ पूछा जाएगा तो पूछेगा कि ऋग्वेदिक काल में निष्क जो है वो किस धातु का बना होता था, तो आप उत्तर देंगे सोना, और शतमान के लिए पूछेगा तो चांदी देंगे। जी दोस्तों, और इनके जो साधन थे, अब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था चलेगी तो कुछ थोड़ा बहुत व्यापार भी होगा, तो इनके जो यातायात के साधन कहें, कुछ भी कहें, उसको क्या बोलते थे? ये अनस या शकट। अनस या शकट जो था वो इनका क्या था? गाड़ी था। आप ये कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, कुछ भी हो सकती है, तो ये इनका यातायात का साधन था। क्या काम करता था ये? यातायात। जी दोस्तों, ऋग्वेदिक काल से अर्थव्यवस्था के हिसाब से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज की जानकारी मिलती है, और उसे कहते हैं बेकनाट, यानी सूदखोर। जब व्यापार करेंगे, जब अर्थव्यवस्था चलेगी, तो कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ना जो ऋण देगा, और जो ऋण दे करके क्या लेगा? ब्याज लेगा, तो वो क्या कहलाएगा? सूदखोर कहलाएगा। जी दोस्तों, अब आगे बात करेंगे हम ऋग्वेदिक कालीन समाज की। ऋग्वेदिक कालीन समाज, अब उस समय का जो समाज है वहां पे वर्ण व्यवस्था पाई जाती थी। कैसी व्यवस्था पाई जाती थी? वर्ण व्यवस्था। लेकिन ये वर्ण व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कैसी थी दोस्तों? कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। अब ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कहाँ पे मिलती है? तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, उसमें एक सूक्त दे रखा है, पुरुष सूक्त। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि एक विराट पुरुष से चारों वर्णों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। चारों वर्णों की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिख रखा है कि एक विराट पुरुष से चार वर्णों की उत्पत्ति हुई है, और वर्ण कौन कौन से हैं? तो वर्ण है दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण की मुख से, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। जी दोस्तों, इसे आराम से आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मोर देन इंपॉर्टेंट चीज है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है।
अब उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था कैसी थी, कर्म आधारित थी। यानी आप अपने अगर कर्म कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो शिक्षा का कार्य कर रहा है वो क्या है, ब्राह्मण। लेकिन अगर वही व्यक्ति एक ब्राह्मण के घर में कोई जन्मा हुआ या वही ब्राह्मण कुछ समय बाद आयुध से युद्ध करने का कार्य करने लग जाए तो उसका वर्ण बदल कर क्या बन जाएगा, क्षत्रिय बन जाएगा। अगर उसी ब्राह्मण ने पशुपालन शुरू कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, वैश्य बन जाएगा। उस क्षत्रिय ने भी अगर कर दिया ऐसा ही कोई व्यापार या पशुपालन शुरू तो वो भी क्या बन जाएगा, वैश्य। अगर ये वैश्य पशुपालन छोड़ करके किसी की सेवा में लग गया तो ये क्या हो जाएगा, शूद्र हो जाएगा। और इस शूद्र ने अगर विद्या प्राप्त कर ली तो ये ब्राह्मण हो जाएगा। कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जन्म से शूद्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या अपने ज्ञान से स्वयं को ब्राह्मण कुल में प्रतिष्ठापित कर लिया, और उनको ऋषि ही नहीं महर्षि की उपाधि दी गई, इसलिए वो क्या बने, महान ऋषि वाल्मीकि, जिन्होंने किसकी रचना करी, रामायण की रचना करी। अब इस समय का परिवार ऋग्वेद काल का कैसा था, पितृ सत्तात्मक, यानी पिता के पास क्या थे, सर्वा अधिकार। इसमें कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं कि एक पिता ने अपने पुत्र को भेज दिया, एक पिता ने अपने पुत्र को हत्या भी कर दी, तो ये सब क्या हैं, पिता के सर्वाधिकारी होने का सबूत है कि ऋग्वैदिक कालीन परिवार कैसे होते थे, पितृ सत्तात्मक होते थे। साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कैसे परिवार थे, संयुक्त परिवार, एक साथ लोग रहते थे, और एक विवाह पद्धति होती थी। इनकी जो विवाह पद्धति है वो दो प्रकार की है, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, ये दो तरह का विवाह। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा इन दोनों विवाहों के बारे में। हाँ दोस्तों, अनुलोम, अनुलोम का अर्थ क्या है, उच्च वर्ण का पुरुष, उच्च वर्ण का पुरुष किससे विवाह कर रहा है, निम्न वर्ण की कन्या से। निम्न वर्ण की कन्या से अगर एक ब्राह्मण या क्षत्रिय, ब्राह्मण कुल का अगर क्षत्रिय वर्ण की कन्या से विवाह करेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, अनुलोम विवाह। ब्राह्मण कुल का अगर किसी अन्य से विवाह करेगा तो भी क्या कहलाएगा, अनुलोम विवाह। क्षत्रिय कुल का अगर ब्राह्मण को छोड़ के दो अन्य कुलों से विवाह करेगा तो वो क्या कहलाएगा, अनुलोम विवाह। इसी प्रकार दूसरा क्या है, प्रतिलोम विवाह। कैसा विवाह, प्रतिलोम विवाह। अब ये क्या कहेगा कि निम्न वर्ण का तो लड़का है और उच्च वर्ण की क्या है, कन्या है। यानी क्षत्रिय वर्ण का अगर लड़का है और ब्राह्मण वर्ग की कन्या से विवाह कर रहा है तो वो कैसा कहलाएगा, प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ये इनके विवाह के दो पद्धतियां हुआ करती थी, यानी इंटरकास्ट मैरिज जिन्हें हम कहते हैं, आज के समय में जिनको अपराध समझा गया है, वो इंटरकास्ट मैरिज ऋग्वैदिक काल में जायज भी मानी गई हैं और काफी प्रचलन में भी रही हैं। अब समाज के बाद बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। समाज के बाद बात करेंगे हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म की। धर्म में वही 33 कोटि यानी 33 प्रकार के क्या हैं, देवता हैं। इन देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता है वो है इंद्र, क्योंकि इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में भी कितनी बार हुआ है, 250 बार। दूसरे जो प्रमुख देवता हैं वो हैं अग्नि, अग्नि का उल्लेख कितनी बार हुआ है, 200 बार। ऋग्वेदिक कालीन 33 कोटि यानी 33 तरह के देवता, यहां पे कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के जो देवता हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर, यानी ये क्या तोड़ता है, सीधे दुर्गों को तोड़ देता है, इसको क्या कहा गया है, पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला। अग्नि जो है इसको क्या कहा गया है, ये दूसरा प्रमुख देवता है और इसको 200 बार अग्नि की इस जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है, 200 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। आपने अभी भी, आप खैर उस गायत्री मंत्र का आप प्रतिदिन उच्चारण भी करते हैं, ऋग्वेद में भी गायत्री मंत्र है,
गायत्री मंत्र। अब जो ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सविता को। अब ये सविता किसका रूप है? सूर्य का ही रूप है। यानी ऋग्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सविता को। आज आप जो गायत्री मंत्र बोलते हैं वो आप किसकी स्तुति में बोलेंगे? सूर्य की स्तुति में, क्योंकि सविता भी किसका रूप है? सूर्य का ही रूप है। दूसरा है सोम नामक एक देवता है। सोम नामक एक देवता है, तो ये कैसा देवता है? यह है उल्लास और आनंद, यानी उल्लास प्लस आनंद का देवता। सोम कैसा देवता है? उल्लास प्लस आनंद का देवता। ये कैसे, क्या देता है हमें? खुशी देता है। ये क्या देता है हमें? खुशी देता है। इसलिए ऋग्वेद का एक पूरा नोवा मंडल, ऋग्वेद का नोवा मंडल किसे समर्पित है? सोम को समर्पित है। ये पूरा नोवा मंडल सिर्फ इसी देवता की स्तुति में लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। इस समय यानी ऋग्वेदिक काल के एक और अन्य प्रमुख देवता, जिनका नाम क्या है? वरुण। जिनका नाम क्या है? वरुण। अब ये वरुण जो हैं वो कैसे देवता हैं? तो ये हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऋत के नियामक, ऋत का नियामक। ये क्वेश्चन कई बार आता भी है कि ऋत का देवता, ऋत का नियामक किसे कहा जाता है? तो वो वरुण को कहा जाता है। इसका दूसरा नाम, इसको कहा गया है विश्वस्य चक्षु, यानी सारे संसार की ये क्या है? आंख, वर्ल्ड्स आई। अगर आप इंग्लिश में इसको कहना चाहें तो ये संसार की क्या है दोस्तों? आंख है। वरुण जो देवता है वो संसार का क्या है? आंख है। और साथ में इसे क्या गया, कहा गया है? नैतिकता का भी देवता, नैतिकता का देवता। यानी अगर आप जो कार्य सामाजिक रूप से नैतिक हैं वो कार्य अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? आप किस देवता की उपासना कर रहे हैं? वरुण नाम के देवता की आप उपासना कर रहे हैं। तो ये सब हमने वैदिक सभ्यता के ऋग्वैदिक काल के बारे में हमने पढ़ा है। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता के हमने समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, राजनीति सब चीज़ों की चर्चा की। ऋग्वेद में किस चीज का कितनी बार उल्लेख हुआ है, उनमें जो इम्पोर्टेंट थे उन सब की हमने चर्चा की। जी दोस्तों, हमने उस समय की प्रमुख नदी जिसको कि सर्वाधिक पूजा गया, सरस्वती नदी, जिसको क्या कहा गया दोस्तों? नदीतमा कहा गया, इसकी बात की। आज की सबसे प्रमुख नदी गंगा, गंगा की हमने बात की। लेकिन गंगा उस समय ऋग्वेद में इसका उल्लेख सिर्फ कितनी बार आया है? एक बार आया है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन दोनों को आप याद रखिएगा। इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, ये सब मैंने आपको बता दिया। बाकी उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित मैंने 2 वीडियो पहले डाले हैं, उन दोनों को आप देखिए। उसके बाद आप वैदिक सभ्यता संबंधित वीडियो भी देखिए। इन्हें पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस प्रकार का अंतर पाया गया है। जी दोस्तों, और बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमने इस पर सुबह और शाम दोनों, सुबह 11:15 और शाम को 9:15 लगभग इसी समय क्विज आयोजित की जाती है। तो उन क्विज में भाग लेकर के आप अपनी जानकारी को पुख्ता और प्रमाणिक बना पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।